नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी की जो सेकेंड यूनिट है, एनक्रिप्शन एवं डिक्रिप्शन, तो एनक्रिप्शन के जो दो महत्वपूर्ण मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। दो तरह की टेक्निक होती हैं, एक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक और दूसरी ट्रांसपोजिशन टेक्निक। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में हम एक लेटर को दूसरे लेटर से रिप्लेस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन टेक्स्ट का जो एक लेटर होगा उसको हम साइफर टेक्स्ट के दूसरे लेटर से रिप्लेस कर देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं सबसे सिंपलेस्ट सीज़र साइफर में। सीज़र साइफर में क्या होता है कि सीज़र साइफर के अंदर हमने उदाहरण के लिए लिया है कि माई नेम इज़ सुनील शर्मा, ये प्लेन टेक्स्ट है, इजीली रीडेबल फॉर्म में है। अब हम इसको साइफर टेक्स्ट में चेंज करेंगे, तो सीज़र साइफर टेक्स्ट का जो ये रूल होता है उसके अंदर हम किसी भी लेटर को उसके आगे वाले जो थर्ड लेटर है उससे रिप्लेस करते हैं। जैसे माई माई को एम को हम रिप्लेस करेंगे पी से, क्योंकि एम के बाद आता है एम एन ओ पी। इसी तरीके से वाई, क्योंकि अब वाई जेड तक रहता है तो इसको हम रैप अप करके आगे वाले ए बी सी से करेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि माई नेम इज़ सुनील शर्मा, इसको जब हम एनक्रिप्ट कर देते हैं या प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाता है पी बी क्यू डी पी एच एल वी वी एक्स क्यू ओ वी के डी यू पी डी। यानी कि अगर आप सोचें कि हम प्लेन टेक्स्ट को ये कर देते हैं और ये टेक्स्ट भेजते हैं तो इसको देखने से आसानी से कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि ये टेक्स्ट का मतलब क्या है। इसी के अलावा दूसरी जो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स होती हैं उसमें है पोलो अल्फाबेटिक साइफर। जैसे जिस तरीके से सीज़र साइफर के अंदर हमने प्लेन टेक्स्ट के एक लेटर को उसके आगे वाले थर्ड लेटर से रिप्लेस किया था, मोनो अल्फाबेटिक साइफर के अंदर हम उसको किसी भी लेटर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से पोली अल्फाबेटिक साइफर है, पोली अल्फाबेटिक साइफर के अंदर हम विजनियर टेबल का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ए को किसी भी ए से लेके जेड तक किसी भी लेटर से रिप्लेस किया जा सकता है। इसी तरीके से बी को भी हम किसी भी लेटर से रिप्लेस कर सकते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सीज़र साइफर है उसमें जो पैटर्न था वो सिमिलर पैटर्न था, इसलिए क्रिप्ट एनालिस्ट के लिए बहुत आसान हो जाता था पता लगाना कि किस तरीके से ये एन्क्रिप्शन को यूज़ किया गया है। अब हम देखेंगे कि प्ले फेयर साइफर। प्ले फेयर अभी तक की जो टेक्निक हमने यूज़ की है, सीज़र साइफर, मोनो अल्फाबेटिक साइफर, पोली अल्फाबेटिक साइफर, इसमें हम एक लेटर को दूसरे लेटर से रिप्लेस करते थे। जबकि प्ली फेयर साइफर ऐसा है जिसके अंदर हम डायग्राम या ए पेयर ऑफ लेटर्स को रिप्लेस करते हैं। प्ले फेयर साइफर के अंदर एक हम 5x5 का एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसके अंदर कि हम टोटल 25 लेटर्स को भर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो इंग्लिश में होते हैं वो 26 होते हैं, इसलिए जो आई और जे है उसको हम एक ही सेल के अंदर डालते हैं। क्रिएशन एंड पॉपुलेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स बात करें तो इस मैट्रिक्स को भरने के तरीके होते हैं, जैसे हमने पहले ही कहा कि प्ले फेयर साइफर के अंदर हम एक लेटर के बजाय ए पेयर ऑफ लेटर को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे लेटर होंगे उनको हम उनके अंदर से पंक्चुएशन कैरेक्टर जो भी होंगे उनको हम हटा देंगे। उसके बाद जैसे सपोज़ करो कि एच ए एम एम ई आर, इस तरह का पैटर्न हमारे पास आता है जब हम दो दो लेटर का सेट बनाते हैं, जैसे एच ए एम ई ई ई आर। तो यहाँ जो रिपीटेशन होता है उसमें हम नेक्स्ट वाले जो लेटर रहता है रिपीटेशन में नेक्स्ट वाले, उसकी जगह हम एक्स डालते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि टोटल जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है जिसको हम साइफर टेक्स्ट में चेंज करना जा रहे हैं, अगर उसके में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ओड आते हैं तो लास्ट में हम देखेंगे कि एक ही लेटर बचेगा तो उसके भी अंत में हम एक्स लगा देंगे। तो इस तरीके से हम एच ए एम एम ई आर है तो इसको हम पेयर्स में डिवाइड करेंगे तो एच ए एम ई एक्स आर लिखेंगे, और अब दो दो का जो पेयर है एच ए एम एक्स ई आर, इस तरीके से हम इसको रिप्लेस कर देंगे।
तो ब्लेफेयर साइफर में दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है जिसके अंदर हम क्रिएशन एंड पॉपुलेशन ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड होता है उसके अंदर हम एनक्रिप्शन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आता है ट्रांसपोजिशन टेक्निक। ट्रांसपोजिशन टेक्निक के अंदर अभी तक जिस तरीके से अपन ने सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में एक लेटर को दूसरे लेटर से रिप्लेस किया था, जबकि ट्रांसपोजिशन टेक्निक के अंदर हम एक लेटर को दूसरे लेटर से रिप्लेस ना करके उसको रीपोजिशन करते हैं। तो उसका सबसे पहला उदाहरण है रेल फेंस ट्रांसपोजिशन टेक्निक। दिस इज द सिंपलेस्ट साइफर इज रेल फेंस टेक्निक, जो कि हम ट्रांसपोजिशन के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर भी मैंने उदाहरण के तौर पे लिया है कि जैसे माई नेम इज़ सुनील शर्मा। अब इसको आप देखेंगे कि हमने लिखा है MYNAMEISSUNILSHARMA। तो इसको हमने इस तरीके से लिया है, यानी कि इसको हम कहेंगे कि डेप्थ की फॉर्म में लिया है। उसको इस तरीके से रेल की तरह जिगजैग फॉर्म में अपन ने लिया है। जब लेकिन इसको हम जब रीड करेंगे तो पहले वाली ऊपर वाली लाइन को रीड रो को रीड करेंगे, उसके बाद नीचे वाली रो को रीड करेंगे। तो जो ये लेटर है ये अपना इसका जो एनक्रिप्ट करने के बाद, तो इस तरीके से जो हमको साइफर टेक्स्ट प्राप्त होगा एनक्रिप्टेड मैसेज, वो प्राप्त होगा MNMISNL। अब आप देख सकते हो MNMISNLHRA, और उसके बाद नेक्स्ट वाली जो लाइन है सेकंड रो YAESUISMA। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो ये मेथड है हमारा, जो माई नेम इज़ सुनील शर्मा, वो अब साइफर टेक्स्ट में बदल के हो गया है इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म को देखने से हम आसानी से पता नहीं लगा सकते। अगर हम रेल फेंस जो ट्रांसपोजिशन टेक्निक है उसको हम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, तो हम इस दो रो की जगह उसको तीन या उससे ज़्यादा की रो में बांट देंगे, या फिर हम जो एनक्रिप्टेड मैसेज है इसको दोबारा हम रो इस तरीके से रो में लिखेंगे और उसको फिर रो वाइज रीड करेंगे। तो ये इस तरीके से और भी कॉम्प्लेक्स साइफर टेक्स्ट हमको प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि सिंपल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक किस प्रकार कार्य करती है। अब ये एक रेल फेंस टेक्निक से अधिक कॉम्प्लेक्स स्कीम है। इसके अंदर हम कॉलम वाइज मैसेज को लिखते हैं। जैसे हमारा प्लेन टेक्स्ट है अटैक पोस्टपोन्ड अनटिल 2 AM, तो इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं अटैक पोस्टपोन्ड अनटिल 2 AM। जो रिमेनिंग सेल्स बच जाती हैं उसमें हम जो बचे हुए कैरेक्टर्स हैं उनको हम XYZ की फॉर्म में लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम जो की यूज़ करते हैं वो ये बताती है हमको कि हम इस जो प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में किस प्रकार चेंज करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं की में लिखा है हमने कॉलम में 3 1 2 5 6, तो सबसे पहले जो हम रीड करेंगे वो हम फर्स्ट वाला कॉलम करेंगे। तो फर्स्ट वाला कॉलम क्या है TTNA, तो हम लिख रहे हैं TTNA। उसके बाद सेकंड वाला APTM APTM, इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो जो की है वो ये बताती है कि किस पैटर्न में किस कॉलम वाइज हमको प्लेन टेक्स्ट को लिखना है साइफर टेक्स्ट में चेंज करते टाइम। बना सकते हैं कि जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आया है उस साइफर टेक्स्ट को हम यहाँ पर वापस से इसको दोबारा से कॉलम्स में फिलअप करके और नई की के साथ हम इसको नया साइफर टेक्स्ट बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।